हे गाइस, अभी हम लोग आए हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि पनीर किस तरीके से बनता है बड़े बड़े डेयरियों में। तो ये हमारे साथ घनश्याम भाऊ है जो ये गरम दूध एक बड़े बर्तन में डाल रहे हैं। क्या बात है, ये गर्मा गर्म दूध इन्होंने एक बर्तन में डाला है। और ये है नींबू पानी या खट्टा पानी जिसे हम बोल सकते हैं, जो कि ये पनीर को दूध को फाड़ने के लिए बनाते हैं। घनश्याम भाई, कितना समय लग जाता है इसको बनने में? तो ज्यादा समय नहीं लगता है, ये हो जाता है करीब करीब 10 मिनट में। ये पूरा आपने जो खट्टा पानी और ये दूध को मिला के प्रॉपर पीस तैयार हो जाएगा, प्रॉपर पीस आपके तैयार हो जाएगा। इसको फिर आप छानते हैं कि कैसा क्या करते हैं? इसको छेना बनता है जो उसको छानना पड़ता है। हाँ, उसका पानी अलग होता है, छेना एक मिलके पंच तैयार हो जाएगा। किस तरीके से, जो आप यहाँ दिखा सकते हैं मुझे आगे, ये इसमें आप सांचे में डालते हैं? हाँ, ये सांचे है, कपड़े में डाल के आप सांचे में उसे डालते हैं ताकि उसमें जो बचा कुचा पानी है वो भी निकल जाए, तो उसको एक प्रॉपर एक शेप मिल जाता है। और उसके होने के बाद आप उसे ठंडा करने के लिए यहाँ पे रखते हैं और ये फिर मार्केट में बिक्री के लिए निकलता है। ओके, अभी बन के तैयार हो चुका है, अभी इसका पानी हम अलग लेंगे। हाँ, इसको हम वापस कपड़े में छान के इसको सांचे में दबाएंगे। ये जो खट्टा पानी है, जो उसमें जो दूध फटने के बाद जो पानी निकलता है वो आप अलग कर रहे हैं? हाँ, दोबारा इसमें यूज होता है, दोबारा इसमें आप यूज करते हैं ताकि दोबारा इस पनीर प्रोसीजर आप बना सके। क्या बात है। अच्छा भाई, कितना पनीर होगा ये अंदाजा? 7 से 8 किलो। मतलब 40 लीटर दूध में से 7 से 8 किलो पनीर निकलता है। ये सांचे में आप डालते हैं उसे प्रॉपर शेप देने के लिए और बाकी का पानी निकलने के लिए।